हाय फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके, बहुत दिनों से दिमाग में था लेकिन कर नहीं पाए वीडियो, लेकिन आज सोचा कर ही देता हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत दीदी ने, मतलब ऐसे दीदी स्थान पे हो या बहन के स्थान पे, मतलब आप लोग फ़ोन करते हो जिसको हम लोग हबी को दीदी ही बोलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, जो हम लोग जो घर में जो हाउसवाइफ है, बर्ड्स के फील्ड में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आने का क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। फास्ट तो है ही, आप लोग ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि अपने देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलता है। तो ज़िंदगी के टीवी में ना घुसाते, मान लीजिए संसार में हम लोग बिजी रहते हो, हाउसवाइफ जो है संसार का काम ख़त्म करके जितना टाइम हम लोगों को टीवी में घुसाते हैं, गॉसिप करने में लगा देते हैं, जो गलत है, इसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ग्रो होता है। लेकिन उसके स्थान पे अगर हम लोग एनिमल्स को लेके, बर्ड्स को लेके सोचे, तो खुद का भी मन तन हेल्दी रहेगा, सारी शरीर भी हेल्दी रहेगा और थोड़े बहुत पैसा भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत के टाइम पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कोई भी ऐसे हाउसवाइफ, इसको आप मन से करना चाहते हो, मन से कीजिए। ब्रीडिंग के लिए फास्ट मत सोचिए, क्योंकि उसका आपका, देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, भगवान का या नेचर का दो ही लिंग है, एक है औरत एक है पुरुष, मतलब महिला और पुरुष। हर एक औरत कोई भी उम्र पे हो, उसके भीतर एक माँ बस करती है, और एक माँ होने के नाते हम लोगों से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा केयर पर पाओगे और प्यार के साथ। मैंने एक स्टडीज़ में देखा, जो हम लोग जो केयर करते हैं ना बर्ड्स को, मैं एक बर्ड्स लवर होने के नाते बोल रही हूँ, बच्चा जब होता है ना, तो मेरी वाइफ जब उसका जो एक्टिविटीज है बदल जाते हैं, क्योंकि वो खुद एक माँ है, तो वो पहचान देते, जो एक बर्ड्स का माँ बने या एक डॉग माँ बने या कैट माँ बने, उसका जो फीलिंग्स है समान होता है, जो अपने बच्चा को कैसे ग्रो करे, प्रोटेक्ट करे। तो उस टाइम पे उसका जो खाना पीने का देने का तरीका हो या देखभाल करने का तरीका हो, मेरे से अलग हो जाता है और भी बहुत ही, मतलब प्रोटेक्टिव हो जाता है। वैसे ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर आइए इस फील्ड में, बहुत बड़ा एक अच्छा फील्ड है, जो अपने मन को हेल्थ के लिए, शरीर को हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि घर में जो कोई एनिमल होता है ना, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों के भीतर लेन देन होता है, उन लोगों के भीतर सिर्फ देना चाहते हो लोग, वो भी प्यार। एक डॉग को खाना दो या ना दो, आपके साथ जो रिश्ता है, आपको एक दिन एक बेला, मतलब मान ली इवनिंग में या सुबह में आपको ना देके, तो बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ जो लगाव है वो सबसे बड़ी बात है। वैसे ही बर्ड्स भी सेम है। शुरुआत के टाइम्स में ये बोलूँगा, एक दो पेयर से आप शुरू कीजिए, पहले कोई भी बर्ड्स लेके शुरू कर सकते हैं। ये हम दूसरों को जैसे नहीं बोलेंगे लव बर्ड्स नहीं, कॉकर नहीं, आपको मन का पसंद कोई भी बर्ड्स एक दो पेयर लेके शुरू कीजिए, फिर उसमें आप प्रैक्टिकल कीजिए, खाना पीना सही से दीजिए, उसका सही स्पेस दीजिए, छोटे पिंजरे में मत रखिए, और ख़ुद के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आप उसका जो भाषा है आप पहचान पाओगे। हम हर जो औरत जो इस फील्ड में आना चाहते हो, हाउसवाइफ हो, घर में कोई कुछ अलग सा, मतलब रोज़गार करना चाहते हो, ये सारे चीज़ें में के बीच वजह से आप इस फील्ड में आना चाहते हो, बहुत दिन से शौक है लेकिन साहस नहीं मिल रहा है, साहस और नॉलेज मैं दोनों प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप आइए, आप हर किसी के, चाहे दीदी हो, माता के स्थान पे हो या अपनी बहन के स्थान पे हो, मैं आप लोगों के पीछे खड़ा हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से। लेकिन हाँ, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आपको से ही एक स्पेस देना पड़ेगा, घर में स्पेस है, स्पेस के अनुसार बर्ड्स चुनिए। घर में मान लीजिए फिंच के हिसाब से स्पेस हो, तो आप लव बर्ड के लिए मत सोचिए, हो सकता है आपका लव बर्ड प्यार ये, पहले फिंच लेके शुरू कीजिए, फिर एक दो प्यार, वो भी एक दो प्यार, हर जो बर्ड्स आप शुरू करना चाहते हैं एक दो प्यार लेके शुरू कीजिए। उसमें क्या होगा, आपका रिस्क जोन कम हो जाएंगे, कम मतलब 90% मतलब 1% रहेगा, बाकी जीरो में रहेगा। क्योंकि शुरुआत के टाइम पे उसको खाना पीना, उसका देखभाल, टेम्परेचर, पानी बदलना, सही से सॉफ्ट फूड देना, ये सारी चीज़ सीख जाओगे जब, तब आप बल्क में सोचिए। इतना जान लीजिए, आप जो इन्वेस्ट, अगर खुद के पैसा, हाउसवाइफ में क्या होता है हम जानते हैं, जो
कैसे भी करके पैसा जुगाड़ करके रखते हैं, वो कुछ मतलब एन वक्त पे इमरजेंसी टाइम पे पैसा निकालते हैं संसार के फायदे के लिए। मैं भी एक फैमिली मैन हूँ, मैं जानता हूँ। तो आप कुछ ऐसे करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगे घर बैठे हुए, तो बार्स सबसे बड़ी चीज़, अच्छा बार्स आप लोग कर सकते हो। लेकिन शुरुआत के टाइम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, एक दो प्यार लेके शुरू कीजिए, सही से उसको ट्रीटमेंट मतलब केयर कीजिए, मेडिसिन कम मात्रा में दीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में नॉलेज बढ़ाइए, उसके साथ साथ नेचुरल केयर में नॉलेज बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ोगे तब देखोगे 6 महीना बीत जाने के बाद आपको लगेगा अभी मैं भीतर से ही आएगा इसको बढ़ा सकता हूँ, तभी जाके आप बढ़ाइए जब भीतर से आवाज़ आए। आपको भीतर का आवाज़ को पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में जो आवाज़ आता है ना वो एक मतलब लालच बोल सकते हो, इसलिए ब्रीडिंग को पहले से ही मत देखो, ब्रीडिंग का सपना छोड़ दीजिए, पहले उसको ग्रो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, बार्ड्स कोई भी लीजिए, फिंच हो, जावा हो, कॉकटेल हो, कोनूर हो, लाभ बार्ड्स हो, कुछ भी हो, उसको सेल्फ फीडिंग या सेमी एडल बार्ड्स लेके शुरू कीजिए, एडल बार्ड लेके मत शुरू कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सीखने लगोगे तब आप वैराइटीज़ करने लगोगे, और आहिस्ता आहिस्ता तब देखोगे वो अगर हेल्थ से सही है तो ब्रीड करके आपको रिजल्ट देगा, और आपका टाइम भी सही से जाएगा। क्योंकि एक बार्ड्स और कोई भी एनिमल घर में होने से हम लोगों का टाइम ऐसे ही बीत जाती है, उसके लिए कोई गलत चीज़ में मन नहीं लगा मतलब लगता नहीं है, चाहे वो टीवी का कोई सीरियल हो या किसके सांस ने क्या किया, ये सारे गलत चीज़ में दिमाग को मतलब दिमाग घुसता ही नहीं, हमेशा वो खाया नहीं कि वो बर्तन फेंक दिया है कि नहीं, पानी पिया, ये सारी चीज़ में हम लोगों का ध्यान होता है। तो इसीलिए क्या होता है, बार्ड्स घर में होने से एक पॉजिटिव एनर्जी, फर्स्ट तो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता है जो आपके भीतर फ्लो होगा, आपके भीतर फ्लो होगा तो पूरा फैमिली में, क्योंकि एक औरत अगर आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, वर्किंग वूमेन हो, आपका घर आप खुद संभालते हो, तो संभालने के लिए ना सिर्फ शरीर नहीं मन का भी ज़रूरत है, मन के भीतर पॉजिटिव एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। तो आपके घर में ही अगर सोर्स होगा पॉजिटिव एनर्जी का तो इससे बड़ा हो नहीं सकता है कुछ। तो इसीलिए आप लोग शुरुआत कर सकते, छोटा सा वीडियो बनाया, अगर आप डीप वीडियो चाहते हो, क्योंकि मेरा इस कारण और इस कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब में हूँ, जो कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे उसको सेल आउट करोगे, ये सारे चीज़ मतलब बीडर टू बीडर सेल करो तो पैसा बढ़ेगा, बीडर टू टी करोगे, बीडर टू ट्रेडर करोगे तो पैसा घटेगा। तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को बोल रही हूँ, जो घर में हाउस वाइफ हो या इस चैनल का सब्सक्राइबर हो, ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर वीडियो। आज इतना ही, शुरुआत कर चुका हूँ, साहस विश्वास नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, छोटा से शुरू कीजिए, सोच में रखिए लॉन्ग, शुरू कीजिए प्रैक्टिकली, शुरू कीजिए छोटा से। कोई कुछ भी बोले, किसका भी वीडियो देखे, 10 पेयर 12 पेयर नहीं, एक दो पेयर पहले नॉलेज हासिल कीजिए। अब भीतर से जब आवाज़ आएगा जो मैं अभी कर सकता हूँ, तभी 10 12 पेयर 20 पेयर में जाइए, तो आपका भी फ़ायदा उन लोगों का भी फ़ायदा। और ब्रीडिंग के पीछे मत भागिए, ब्रीडिंग ऐसे ही आएगा, मान के देखिए मेरी बात, हेल्थ के पीछे भागिए, हेल्थ को सही रखिए, ब्रीडिंग मिलेगा। नमस्कार।